हेलो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है प्लांट की अमेजिंग सी दुनिया में, हमारे प्लांट्स में। तो एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्नेक प्लांट्स। तो स्नेक प्लांट्स में हमने हालांकि एक और वीडियो बना रखी है जिसमें हमने प्रोपोगेशन के बारे में आपको बता रखा है, उसमें जो सॉइल मिक्स होता है कौन सा होना चाहिए उसके बारे में मैंने बता रखा है। लेकिन ये वीडियो होने वाली है प्रोपोगेशन में जो अपडेट्स हैं वो, और किस तरह आप इस प्लांट का ख्याल रख सकते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ हम इसमें बताएंगे कि कैसे आपको इसमें समय में ख्याल रखना चाहिए और कहाँ पे रखना चाहिए कि आपको बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन मिले। लेकिन सारी चीज़ों को बताने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई घर से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें, साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज करते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं स्नेक प्लांट। तो जो ये वीडियो है इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके सनलाइट के बारे में, कितनी सनलाइट चाहिए होती है, कितना इसमें सनलाइट नहीं चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करने वाले हैं हम इसकी वाटरिंग हैबिट के बारे में, कितना ज़्यादा पानी इसमें यूज़ करना होता है या कितना पानी यूज़ नहीं करना होता है। तीसरा बात करेंगे इसके फर्टिलाइजर की। चौथा बात करेंगे इसके प्रोपोगेशन की। पांचवें नंबर पर बात करेंगे भाई कौन सी ऐसी इसकी खूबियाँ हैं, कौन सी इसकी स्पेशलिटी है कि इस समय स्पेशली इस पैंडेमिक के समय इस प्लांट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी पर ये पूरी वीडियो डिवाइडेड होने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सनलाइट की। तो अगर सनलाइट की बात करी जाए तो ये एक इंडोर प्लांट है, इसको बहुत कम सनलाइट की ज़रूरत होती है। हालांकि अगर आप इसको एकदम डार्क रूम में भी रखेंगे, जैसे कि आपका बाथरूम होता है या फिर आपका किचन होता है जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, वहाँ पे भी रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो ये ऐसा प्लांट है जो आप इसको नो लाइट में भी रखेंगे फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, और आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो सकती है। तो ये हो गई इसके सनलाइट के बारे में बात। दूसरे नंबर पर बात करने वाले हैं हम इसके वाटरिंग हैबिट के बारे में। तो इसमें कितना वाटर देना चाहिए पर डे या पर वीक, या कितने दिनों में इसमें पानी देना चाहिए। तो इसके पानी देने का सिंपल सा फंडा है कि इसकी टॉप सॉइल आपको देखनी है कि इसके टॉप सॉइल में पानी है कि नहीं है। अगर इसके ऊपर ही सतह पे पानी दिख रहा है आपको तो पानी बिल्कुल ना डालें, अगर सूख गया है तो पानी डाल दें, और पानी ऐसे डालें कि पूरा थॉरली इसको वाटर करें। साथ ही साथ अगर इसमें आप 10-15 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं आने वाला है, ये प्लांट बिल्कुल डाई नहीं होगा और ये नेवर डाई प्लांट कैटेगरी में भी आता है। तीसरे नंबर बात करने वाले हैं हम इसके फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर इसके लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें फर्टिलाइजर की यूज़ करना ही नहीं होता है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर फर्टिलाइजर यूज़ नहीं भी करेंगे फिर भी इस प्लांट में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और फर्टिलाइजर का अगर यूज़ करने की बात भी करें तो आप सिंपली इसमें गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं, वही फर्टिलाइजर इसके लिए बेस्ट होता है, इनफ होता है। महीने में एक बार या दो महीने में एक बार यूज़ करें बहुत ज़्यादा है इसके लिए। अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम इसके प्रोपोगेशन की। इसका प्रोपोगेशन करना बहुत ही सिंपल है, दो तरीके से इसका प्रोपोगेशन होता है। एक प्रोपोगेशन होता है कि हम लीफ को डिवाइड करके इसका प्रोपोगेशन करते हैं, दूसरे तरीके का प्रोपोगेशन होता है हम इसके रूट को डिवाइड करके प्रोपोगेशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रूट डिवीजन वाला प्रोपोगेशन दिखा देता हूँ कि क्या करना होता है उसमें। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला प्लांट लेते हैं, तो जैसे देख सकते हैं आप इसमें कि बहुत सारे नए पब्स आ रखे हैं। ये हमारा जो मदर प्लांट है वो है और ये इसके नए पब्स हैं, ये है, ये है, ये सारे इसके नए पब्स हैं, ये नए नए इसमें प्लांट्स निकल रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पूरा प्लांट आपको इसको बाहर निकालना है और ये जो इसका ये एक पब है इसको तोड़ के अलग कर लेना है और दूसरे गमले में इसको प्लांट कर देना है, तो उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। और जो इसका दूसरा प्रोपोगेशन का मेथड होता है वो लीफ डिवीजन मेथड होता है। लीफ डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है कि जैसे ये कोई भी पत्ती होगी इसको हमें 3-3 इंच के गैप पे काट लेना है और इसको गमले में प्लांट कर देना है, और कुछ ही टाइम में वो एक नए प्लांट का रूप ले लेता है। उसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं, ये जितने भी लीफ थी मैंने ऐसे ही लगा दी थी, रैंडमली लगा रखी थी, लेकिन इसमें क्या हुआ एक नए नए प्लांट्स इसमें उगाए हैं, जैसा कि आपको शायद दिख जाएगा, 1, 2, 3, 4 प्लांट आपको देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पत्तियों से निकले हैं। हालांकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और इस डिवीजन में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने का टाइम लग सकता है एक नए प्लांट आने में। फिर जो एडिशनल वैल्यू की हम बात कर रहे थे, जो वो एडिशनल वैल्यू है इसका एयर प्योरिफिकेशन। ये प्लांट इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों को लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी से जिनकी जानें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, और ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी होती है। तो इसको हम अपने बेडरूम में रखेंगे तो हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और ये कोई मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी नहीं है, ये जो चीज़ बोली गई है ये नासा की तरफ से बोली गई है, वहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा बोली गई है। एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये सारे प्लांट्स के बारे में जिक्र किया था, जिसमें टॉप पे जो प्लांट आता है वो आता है हमारा स्नेक प्लांट, और स्नेक प्लांट में एयर प्योरिफिकेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने घरों में इसका एडिशन ज़रूर करें।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।